ईडी फॉर इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यहाँ पर यूथ बुक एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। मैंने प्रीवियस वीडियो में थ्री फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया था। मैं इस वीडियो में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। यह इस वीडियो का पार्ट वन है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एन अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर इज, अनुतेजित सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर है। पहला ऑप्शन गिवन है हिस्टेरेसिस मोटर, दूसरा यूनिवर्सल मोटर, तीसरा रिपल्सन मोटर, डी बोरा एसी सीरीज मोटर। तो अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर जो है वो है हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, ये सभी अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, हिस्टेरेसिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर और सेडेड पोल मोटर, ये सभी सेल्फ स्टार्टेड मोटर है। वही अगर हम हिस्टेरेसिस मोटर के बारे में डिटेल डिस्कशन देखें तो हिस्टेरेसिस मोटर एक प्रकार का ऐसा मोटर है जिसके चलने पर बहुत ही कम आवाज होता है, ये बिल्कुल ही शांत तरीके से चलती है। इसका ये रीज़न है कि जो हिस्टेरेसिस मोटर है उसका जो रोटर है उसमें कोई भी स्लॉट्स और वाइंडिंग नहीं होते हैं। हिस्टेरेसिस मोटर का जो रोटर होता है वो चिकना बेलनाकार होता है और इसके रोटर जो होते हैं वो क्रोम स्टील के बने होते हैं। हिस्टेरेसिस मोटर का यूज़ हम लोग साउंड इक्विपमेंट में करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हिस्टेरेसिस मोटर के बारे में थोड़ी जानकारी थी। ठीक है, अब वही अगर हम बात करें यूनिवर्सल मोटर की, तो यूनिवर्सल मोटर एक प्रकार ऐसा मोटर है जो एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है और स्पीड भी एसी और डीसी दोनों में सेम रहती है। ठीक है, वही अगर हम रिपल्सन मोटर की बात करें तो रिपल्सन मोटर जो है नो लोड कंडीशन में उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सुटेबल मेथड फॉर स्टार्टिंग अ सिंगल फेज मोटर इज, सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि है। पहला ऑप्शन गिवन रेसिस्टेंस मेथड, दूसरा बोल रहा इंडक्टेंस मेथड, तीसरा बोल रहा कैपेसिटर स्टार्ट मेथड, डी बोल रहा स्पीड फेज मेथड। तो सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि जो है वो है कैपेसिटर स्टार्ट मेथड। कैपेसिटर स्टार्ट मेथड में क्या होता है, एक कैपेसिटर को लगाया जाता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में। ठीक है, जैसे हमारा जो रोटर है 75% और रेटेड स्पीड अचीव कर लेता है तो कैपेसिटर को सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और साथ ही हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी डिस्कनेक्ट हो जाता है रनिंग कंडीशन में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रनिंग कंडीशन में ओनली रनिंग वाइंडिंग जो है वो कनेक्टेड रहता है सर्किट में। ठीक है, यही रीज़न है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं कम होते हैं। वही अगर हम बात करें मेन वाइंडिंग की, तो मेन वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और जो जो कंडक्टर होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं मेन वाइंडिंग में। वही अगर हम बात करें ऑक्सिलरी वाइंडिंग की, उसमें नंबर जो कंडक्टर्स हैं वो थिन होते हैं, पतले होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग में से किसकी रेसिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो मैंने अभी जस्ट बताया कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उसमें जो कंडक्टर होते हैं उसका जो एरिया होता है वो कम होता है। तो एरिया कम है मतलब हम लोग जानते हैं R=ρLA। ठीक है, एरिया अगर कम है तो हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, यही रीज़न है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो रेसिस्टेंस है हाई होता है कंपेयर टू मेन वाइंडिंग। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है। पहला ऑप्शन गिवन है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, दूसरा है सेरामिक कैपेसिटर, तीसरा है पेपर कैपेसिटर, डी बोल रहा है ऑयल फील्ड कैपेसिटर। तो हम जो कैपेसिटर यूज करते हैं स्टार्टिंग के टाइम में वो कैपेसिटर होता है इलेक्ट्रोलाइट टाइप कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक टाइप कैपेसिटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर जितने भी कैपेसिटर गिवन है सभी कैपेसिटर्स के टाइप है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर और ऑयल फील्ड कैपेसिटर, ये सभी कैपेसिटर के टाइप्स हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिंगल फेज मोटर विल ऑपरेट एट हाई पावर फैक्टर, निम्न में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पर चलेगी। पहला ऑप्शन गिवन शेडेड पोल मोटर, तो जो शेडेड पोल मोटर होता है उसका पावर फैक्टर जो होता है वो लो होता है। अब नेक्स्ट बोल रहा है कैपेसिटर रन मोटर, तो कैपेसिटर रन मोटर जो है उसका पावर फैक्टर जो है वो बेटर होगा कंपेयर टू कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसमें स्टार्टिंग के टाइम ही कैपेसिटर लगा रहता है। ठीक है, और रनिंग के टाइम में कैपेसिटर रिमूव हो जाता है सर्किट से। लेकिन वही अगर हम बात करें कैपेसिटर रन मोटर में, तो कैपेसिटर रन मोटर में कैपेसिटर रनिंग टाइम में भी कनेक्टेड रहता है, जिसके वजह से कैपेसिटर रन मोटर का जो पावर फैक्टर जो है वो
हाई होता है कंपेयर टू कैपेसिटर स्टार्ट मीटर। वही अगर हम बात करें स्लिप फेज मोटर का, तो इसकी भी जो पावर फैक्टर होती है कम होती है कंपेयर टू कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। अगर इन सभी में डिफरेंस अगर पता करना हो तो ये होता है कि स्पीड फेज मोटर जो होता है उसमें क्या होता है, कोई भी कैपेसिटर की जरूरत कैपेसिटर नहीं होता। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है और यहाँ पे मेन वाइंडिंग होती है। जैसे ही हमारा जो रोटर है वो 75% ऑफ रेटेड स्पीड अचीव कर लेता है तो हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। वही अगर हम बात करें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में, तो उसमें क्या करते हैं, कैपेसिटर प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जैसे ही हमारा रोटर 75% ऑफ रेटेड स्पीड अचीव कर लेता है। अगर वही हम बात करें कैपेसिटर रन मोटर में, तो कैपेसिटर रन मोटर में कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग दोनों ही कंडीशन में प्रेजेंट होता है सर्किट में, ये कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता है इसमें से कैपेसिटर। ठीक है, तो ये फर्क है कैपेसिटर रन मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में। ठीक है, और सेडन पोल मोटर की बात करें तो सेडन पोल मोटर जो होता है बहुत ही, इसका जो टॉर्क भी होता है बहुत ही कम होता है, प्लस पावर फैक्टर भी इसका कम होता है। यही वजह है कि इस मोटर का हम यूज करते हैं खिलौनों में या फिर कुछ छोटे इक्विपमेंट, छोटे टाइप के मोटर को बनाने में हम यूज करते हैं सेडन पोल मोटर का। इसमें क्या होता है, एक इसमें दो पोल होते हैं, एक मेन पोल और एक सेडल पोल होते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्शन होता है रोटेशन का सेडल पोल मोटर का वो होता है मेन पोल टू सेडल पोल। ठीक है, डायरेक्शन जो होता है रोटर का वो होता है मेन पोल टू सेडल पोल। ठीक है, सेडल पोल मोटर जो है उसको रिवर्स, उसके डायरेक्शन को रिवर्स करना काफी मुश्किल होता है, इसको रिवर्स करना काफी ही मुश्किल होता है इसके रोटर के डायरेक्शन को। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नॉर्मली द ऑक्सिलरी वाइंडिंग इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज कट ऑफ व्हेन द मोटर रीच अ सर्टेन स्पीड एक्सेप्ट इन केस ऑफ, हिंदी में पढ़ लेते हैं, सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन सभी में से ऐसा कौन सा मोटर है जिसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है सर्किट से रनिंग कंडीशन में। जैसे हमारा रोटर 75% ऑफ रेटेड स्पीड अचीव कर लेता है, उसके बाद भी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है सर्किट से, तो इसमें से कौन सा ऐसा मोटर है। तो हम लोग जानते हैं कि सेडल पोल मोटर जो होता है उसमें कोई भी ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं होता है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो कुछ भी नहीं, और यहाँ पर कोई भी सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम यूज नहीं करते सेडल पोल मोटर में। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल टाइप का ये मोटर होता है सेडल पोल मोटर। अब बी में आते हैं, बी में कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर है। ठीक है, तो कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन में क्या होता है, यहाँ पर दो कैपेसिटर यूज करते हैं। एक कैपेसिटर को हम क्या करते हैं, जैसे हमारा रोटर जो है 75% रेटेड स्पीड अचीव कर लेता है तो इस कैपेसिटर को रिमूव कर दे, कैपेसिटर स्टार्ट के जो स्टार्ट कैपेसिटर लगा हुआ है उसको हटा देते हैं, और रनिंग में जो मतलब मेन वाइंडिंग में जो कैपेसिटर लगा होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो रनिंग के लिए कैपेसिटर रखा गया है, वो कैपेसिटर सर्किट में कनेक्टेड रहता है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा सिर्फ एक कैपेसिटर रिमूव होता है सर्किट से, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग और जो रनिंग कैपेसिटर है वो कनेक्टेड रहता है सर्किट में। तो ऑप्शन बी जो है ऐसा मोटर है जो जिसका रोटर अगर 75% रेटेड स्पीड अचीव भी कर लेता है फिर भी हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है वो सर्किट से डिस्कनेक्ट नहीं होता है। वही अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो कैपेसिटर के साथ साथ ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है सर्किट से जैसे ही रोटर 75% ऑफ रेटेड स्पीड अचीव कर लेता है। होता क्या है कि इसमें जो कैपेसिटर है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के सीरीज में लगा रहता है, और सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, इन दोनों को एक साथ डिस्कनेक्ट कर देता है सर्किट से। वहीं अगर हम बात करें स्प्लिट फेज मोटर में, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि स्प्लिट फेज मोटर में बस डिफरेंस क्या होता है कैपेसिटर स्टार्ट और स्प्लिट फेज मोटर में, कि इसमें कैपेसिटर नहीं लगा होता है, बाकी सभी सर्किट सेम होते हैं, जैसे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के सर्किट होते हैं उसी तरह स्प्लिट फेज मोटर के भी सर्किट होते हैं। मैं यहाँ पर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का फिगर ड्रो कर देती हूँ। यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पर हमारा एक कैपेसिटर है, और यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ये हमारी है मेन वाइंडिंग, और यहाँ पर हमारा होता है रोटर। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ सर्किट होता है हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। ठीक है, जैसे हमारा जो रोटर है 75% रेटेड स्पीड अचीव कर लेता है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाता है सर्किट से, और जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर देता है सर्किट से। ठीक है, वही अगर हम बात करें स्प्लिट फेज मोटर में, तो सारा सर्किट ऐसा ही रहता है, बस ये कैपेसिटर वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच
मोटर मेक द लीस्ट नॉइज, निम्नलिखित में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? पहला ऑप्शन गिवन है कैपेसिटर मोटर, दूसरा है इन्वर्सल मोटर, सी बोरा सेडेड पोल मोटर, डी बोरा हिस्ट्रेसिस मोटर। तो सबसे कम जो शोर करती है वो है हिस्ट्रेसिस मोटर। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि हिस्ट्रेसिस मोटर के कम शोर करने के पीछे का रीजन क्या है। पीछे का रीजन यह है कि इसका जो रोटर होता है उसमें ना तो कोई स्लॉट ना ही कोई वाइंडिंग होती है, जिसके वजह से यह स्मूथली रोटेट करता है, और इसका जो रोटर होता है वह बिल्कुल ही चिकना बेलनाकार शेप का होता है। यही कारण है कि जो हिस्ट्रेसिस मोटर है उसका हम यूज करते हैं साउंड इक्विपमेंट में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है। किसके साथ श्रेणी में लगा रहता है? अभी जस्ट मैंने ड्रॉ भी किया था कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का सर्किट डायग्राम। तो मैंने दिखाया था कि जो कैपेसिटर है वो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के श्रेणी में लगा रहता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑप्शन ए करेक्ट होगा। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द मेन रीजन ऑफ यूजिंग अ हिस्ट्रेसिस मोटर फॉर हाई क्वालिटी टेप रिकॉर्डर एंड रिकॉर्ड प्लेयर इज डेट। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्ट्रेसिस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण होता है। पहला ऑप्शन गिवन है इट्स स्पीड इज कॉन्स्टेंट, दूसरा बोल रहा है इट्स डेवलप्ड एक्सट्रीमली स्टडी टॉर्क, सी बोल रहा है इट्स रिक्वायर्ड नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, डी बोल रहा है इट्स ऑपरेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय मैकेनिकल वाइब्रेशन। क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि उच्च गुणवत्ता वाले जो टेप रिकॉर्डर होता है या फिर रिकॉर्ड प्लेयर होता है उसमें हम हिस्ट्रेसिस मोटर यूज करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य जो कारण होगा वो है इट्स रिक्वायर्ड नो सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसमें किसी प्रकार का अपकेंद्रीय स्विच की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके वजह से उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर में हम लोग हिस्ट्रेसिस मोटर का यूज करते हैं। वही अगर हम बात करें ऑप्शन ए की इट स्पीड इज कॉन्स्टेंट, तो स्पीड जो होता है कॉन्स्टेंट होता है रिलक्टेंस मोटर का। रिलक्टेंस जो मोटर होता है उसका स्पीड क्या होता है? कॉन्स्टेंट होता है। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन्वर्सल मोटर रन एट, इन्वर्सल मोटर चलती है। पहला बोल रहा है हाई स्पीड विद डीसी एंड विथ लेस स्पार्किंग, दूसरा बोल रहा है हाई स्पीड विथ एसी सप्लाई एंड विथ लेस स्पार्किंग, सी बोल रहा है सेम स्पीड विथ बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो यूनिवर्सल मोटर है उसकी जो स्पीड होती है वो सेम होती है एसी एज वेल एज डीसी सप्लाई। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। अब लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर इज। कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग वाला घूर्ण होता है, पहला गिवन है जीरो, दूसरा है लो, तीसरा बोरा सेम एज रेटेड टॉर्क, डी बोरा मोर देन रेटेड टॉर्क। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का वो मोर देन होता है रेटेड टॉर्क। ये कितना होता है ये देख लेते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ यूनिवर्सल मोटर इज वन व्हेन, यूनिवर्सल मोटर वह है, पहला ऑप्शन गिवन है कैन रन ऑन एनी वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज, दूसरा बोल रहा हैज इनफिनिटली वेरिंग स्पीड, सी बोल रहा है कैन ऑपरेट ऑन एसी एज वेल एज डीसी वोल्टेज, डी बोल रहा है कैन वर्क एज सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि यूनिवर्सल मोटर जो है वो एसी एज वेल एज डीसी दोनों पे ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। अब हम लोग कुछ जान लेते हैं कुछ बेसिक बातें यूनिवर्सल मोटर के बारे में। अगर यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क का बात किया जाए तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है यूनिवर्सल मोटर का वो होता है 3 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क, ठीक है। वही अगर हम करंट की बात करें स्टार्टिंग करंट की तो वो दुगुनी होती है फुल लोड करंट की, दुगुनी होती है फुल लोड करंट की, ठीक है। तो ये सभी यूनिवर्सल मोटर में होता है। स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है 3 टाइम्स ऑफ फुल लोड टॉर्क होता है और स्टार्टिंग करंट जो है 2 टाइम्स ऑफ फुल लोड करंट होता है। यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर है जो एसी और डीसी दोनों में काम करता है और ये जनरली हम लोग यूज करते हैं ऐसे जगह पर जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल फूड मिक्सर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर कैन बी रिवर्स बाय,
इन्वर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा विपरीत की जा सकती है। पहला ऑप्शन गिवन है रिवर्स द सप्लाई टर्मिनल, बी बोरा स्विचिंग ओवर फ्रॉम एसी टू डीसी, सी बोरा इंटरचेंजिंग द ब्रश लीड, डी बोल रहा है चार्जिंग द वाइंडिंग, ऑप्शन डी बोरा चार्जिंग द वाइंडिंग। तो हम यूनिवर्सल मोटर के डायरेक्शन और रोटेशन को रिवर्स करते हैं बाय इंटरचेंजिंग द ब्रश लीड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मोटर यूज इन हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर इज, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होती है। पहला ऑप्शन गिवन डीसी सीरीज मोटर, दूसरा बार डीसी शंट मोटर, सी बोरा यूनिवर्सल मोटर, डी बोरा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो हम लोग हाउस होल्ड जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं उसमें मोटर जो होता है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। अब सवाल उठता है कि क्यों हम यूनिवर्सल मोटर का यूज नहीं करते हैं रेफ्रिजरेटर में। ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि यूनिवर्सल मोटर जो होता है उसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत ही हाई होता है, जिसके वजह से यूनिवर्सल मोटर को रेफ्रिजरेटर में, हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं किया जाता है। वही अगर हम बात करें डीसी शंट मोटर, तो डीसी शंट मोटर जो होता है उसका स्पीड जो होता है कॉन्स्टेंट होता है, और इस टाइप के मोटर डीसी शंट मोटर का हम यूज करते हैं। लेथ और ब्लोअर में डीसी शंट मोटर का हम यूज करते हैं। वही अगर हम बात करें डीसी सीरीज मोटर का, तो डीसी सीरीज मोटर का हम यूज करते हैं क्रेन, लिफ्ट आदि में यूज करते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत ही हाई होता है, क्योंकि टॉर्क जो होता है डीसी सीरीज मोटर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है बहुत ही हाई होता है डीसी सीरीज मोटर का, इसलिए इसका यूज हम करते हैं क्रेन, लिफ्ट आदि में इसका यूज किया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती क्योंकि वह, पहला ऑप्शन गिवन है केवल एक वाइंडिंग पर पर्याप्त घूर्ण बल नहीं दे सकती, दूसरा बोल रहा है कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, सी बोल रहा है 230 वोल्ट पर चलती है, डी बोल रहा है पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। सिंगल फेज जो मोटर है वो स्वयं स्टार्ट नहीं होता है। इसका मेन रीजन यह है कि उसका जो चुंबकीय फील्ड है वो पल्सेटिंग टाइप चुंबकीय फील्ड है, जिसके वजह से वो सेल्फ स्टार्टेड नहीं होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, पैदा होता है, वो पल्सेटिंग टाइप होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी मोटर अधिकतम आरंभिक घूर्ण बल देती है, मतलब बोला जा रहा है कि इन सभी में से कौन सा ऐसा मोटर है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। तो पहला ऑप्शन गिवन है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, दूसरा है सेडर पोल मोटर, तीसरा है रिलक्टेंस मोटर, डी है यूनिवर्सल मोटर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता और यूनिवर्सल मोटर नहीं होता तो हम कैपेसिटर स्टार्ट मोटर को करेक्ट करते, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर है जिसके वजह से यूनिवर्सल मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।